हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रूफ और आज मैं आपको अपना पूरा सेटअप दिखाऊंगा रूट कनाल ट्रीटमेंट करने का, कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स मैं यूज़ करता हूँ रूट कनाल ट्रीटमेंट करने में। ये सारे इक्विपमेंट्स टॉप लाइन के हैं और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए मैं आपको अपना पूरा सेटअप दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको रूट कनाल करने के लिए चाहिए वो है विजिबिलिटी और इल्यूमिनेशन। जब भी आप अच्छा देख सकते हो और जब भी आपके वर्किंग एरिया पे अच्छा लाइट सोर्स हो, तभी आपका काम परफेक्ट होगा। ये दोनों चीजें आपको डेंटल लूप या माइक्रोस्कोप प्रोवाइड कराएगा। मैं खुद यूज करता हूँ डेंटल लूप्स और माइक्रोलाइट्स अपने हर एक रूट काम में और मुझे इससे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज डेंटल लूप्स और लाइट्स। लूप्स के बाद आते हैं हम रेडियोग्राफ्स पर। मैं रेडियोग्राफ्स में यूज करता हूँ होल्डर्स का। ये रहा इंटीरियर होल्डर और ये है पोस्टीरियर। मैं पीएसपी प्लेट्स यूज़ करता हूँ रेडियोग्राफ्स के लिए। ये पीएसपी प्लेट को हाइजीन बैग में डालना है, उसके बाद होल्डर में इंसर्ट किया और रेडियोग्राफ सिस्टम रेडी। होल्डर से बहुत ही आसानी होती है रेडियोग्राफ लेने में और कोई टेक्निकल एरर भी नहीं आता है। अब आते हैं डायग्नोस्टिक्स पे। ये रैप किए हुए मैंने पेपर कवर में स्टरलाइजेशन के लिए, तो मैं इनको अनरैप करके आपको दिखाता हूँ। इसमें है माउथ मिरर्स, ये रोडियम कोटेड माउथ मिरर्स है और ज़िरकेबल में यूज़ करता हूँ। इनसे विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता ही है, एक्सप्लोरर ट्वीज़र्स, ये हमारा एनेस्थेटिक कार्ट्रिज टाइप सिरिंज जो भी यूज़ करता हूँ। ये बहुत ही आसान रहता है। मैं कार्ट्रिज यूज़ करता हूँ सेप्टोनॉट की। ये पेशेंट के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल रहता है, उसको पेन भी फील नहीं होता है वाइल इंजेक्टिंग। तो ये रहा मेरा कार्ट्रिज एनेस्थेटिक सिस्टम जो मैं यूज़ करता हूँ रूट कनाल में। बात करते हैं अब आइसोलेशन की। आइसोलेशन के लिए यूज़ करता हूँ मैं फ्रेमर रबर डैम। ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है पेशेंट के लिए। और इसके साथ जो क्लैंप्स है वो है ह्यूफ्राइडी क्लैंप्स और ये बेस्ट क्लैंप्स है। ये रहा मेरा आइसोलेशन के लिए सेटअप। अब मैं बात करूँगा फाइल्स हम कैसे मैनेज करें ड्यूरिंग प्रोसीजर। उसके लिए मैंने एंडोरिंग लिया हुआ है। ये स्मॉल है बट स्मार्ट है। इसमें बहुत ही अच्छा आपको स्केल भी मिलता है और सारी फाइल्स जो है वो असॉर्ट रहती है एक जगह पे। आपको बस फाइल लेना है, यूज़ करनी है और इसको वापस इसमें रखना है, तो इधर उधर फाइल होने का भी ये चांसेस नहीं होता है। क्योंकि कभी हमने ट्रे पे फाइल रखी फिर वो समझ नहीं आती कहाँ से लेनी है और टाइम भी उसमें बहुत सारा वेस्ट होता है। इसमें दो छोटे चैम्बर्स भी हैं, ये रिमूवेबल होते हैं। इसमें हम जो है ना विस्कस क्लीटर जो जेल फॉर्म में है वो रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल है रूट कनाल करने के लिए। अगर आपको मिलता है कहीं से प्लीज़ अभी ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे बहुत ही टाइम भी सेव होता है। ऑलराइट, अब आता है कैनाल इरिगेशन के लिए। कैनाल इरिगेशन के लिए मैं हाइपो यूज़ करता हूँ 3%। और कैनाल इरिगेशन के लिए मैं ये वाली नीडल्स यूज़ करता हूँ। ये साइड वेंटेड नीडल्स है, इसमें कोई भी इरिगेंट एक्सट्रूड होने का भी खतरा नहीं रहता है। ये बेस्ट नीडल्स रहती है कैनाल इरिगेशन के लिए। और हाइपो के साथ साथ मैं यूज़ करता हूँ स्मियर क्लियर। ये साइब्रॉन एंडो का है। ये सबसे अच्छा विस्कस क्लीटर है लिक्विड फॉर्म में, स्मियर क्लियर। कैनाल इरिगेंट्स अच्छे से एजिटेट हो उसके लिए मैं अल्ट्रासोनिक्स यूज़ करता हूँ। ये मेरे पास एक्टियन का है टिप, ET20 टिप है जिससे प्रॉपरली कैनाल्स क्लीन होती हैं। ये ET20 टिप अल्ट्रासोनिक हैंड पीस में इंसर्ट करना पड़ता है और आपके अल्ट्रासोनिक से कनेक्ट होता है। ये भी एक्टियन का ही है। ये बहुत अच्छे से एजिटेट करता है। इसके लिए इरिसेफ टिप्स भी आती है लेकिन मेरे पास अभी वो है नहीं। मैं वो शायद फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ अपनी प्रैक्टिस में। अब अगर हम बात करें वर्किंग लेंथ लेने की, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ अपेक्स लोकेटर्स। मेरे पास दो अपेक्स लोकेटर्स है, एक तो डेंसप्लाई का है और दूसरा साइब्रॉन अपेक्स आईडी है। दोनों मेरे हिसाब से अच्छे अपेक्स लोकेटर्स है, साइब्रॉन का भी और डेंसप्लाई का भी। ये दोनों बहुत ही एक्सपेंसिव अपेक्स लोकेटर्स मैंने परचेज किए हुए हैं पेशेंट्स के लिए, ताकि मैं बेटर से बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करो अपने पेशेंट्स को रूट कनाल करने में। और दोनों की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है। ये हुए अपेक्स लोकेटर्स। अब आते हैं फाइल्स पे। फाइल्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं साइब्रॉन की फाइल्स यूज़ करता हूँ, K3XF फाइल्स। और दूसरी फाइल्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो है साइब्रॉन की ही असॉर्टेड किट आता है इनमें, ये TF फाइल्स। ये दोनों फाइल्स बेस्ट है। जो K3XF फाइल है उसमें ये भी बेनिफिट है कि मुझे हर एक फाइल सेट में एक ऑरिफाइस ओपनर मिलता है। ये ऑरिफाइस को एनलार्ज करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। ये K3XF फाइल स्टडी होती है, इनमें फ्रैक्चर यूजुअली नहीं होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर करने के टाइम। रेयरली इनमें फ्रैक्चर हो जाता है इन फाइल्स में। ये TF फाइल्स, तीन फाइल्स आती है एक सेट में और अमेजिंग फाइल्स है ये, अमेजिंग ब्रिलियंट फाइल्स है ये। हुई हमारी फाइल्स।
रोटरी फाइल्स हो गई। अब बात करते हैं एंडो मोटर की। वो मैं यूज़ करता हूँ एंडोटेच TC2 साइब्रॉन का। ये कॉर्डलेस एंडो मोटर है, ये बहुत कंपैटिबल है। आपको इशू नहीं रहता कि कॉर्ड इधर से है उधर से, कितनी लेंथ पे मुझे वर्क करना है। ये बहुत ही कंपैटिबल रहता है प्रोसीजर करने के टाइम पे। अब आते हैं रूट कैनाल फिलिंग करने के लिए। उसके लिए यूज़ करता हूँ मैं कटा पर्चा। ये डायडेंट का है, ये बहुत ही अच्छा है कि आपको हर एक कोन जो है ना वो मार्कर मिलता है वहाँ से, उससे बहुत ही टाइम आपका सेव हो जाता है। और इसके साथ मैं एब्जॉर्बेंट्स जो है वो भी डायडेंट की यूज़ करता हूँ। इनका फ़ायदा ये है कि इनका जो हर एक कोन है एब्जॉर्बेंट कोन, वो भी मार्कर है। अब आते हैं रूट कैनाल सीलर पे। सीलर में करता हूँ साइब्रॉन का सीलेपैक्स यूज़। ये दो ट्यूब्स में आता है, एक आता है इसमें बेस, दूसरा आता है इसमें कैटेलिस्ट। ये वाला मैं यूज़ करता हूँ सीलर। और इसके साथ साथ जो मैं यूज़ करता हूँ इजनॉल बेसिड सीलर, रूट कैनाल सीलर EWT एक्सटेंडेड वर्किंग टाइम है। ये सीलर जो है ये आता है पाउडर और लिक्विड फॉर्म में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका मैंने अभी अनबॉक्स भी किया आपके सामने। ये इसमें इसका लिक्विड है और इसकी पाउडर है। ये सबसे बेस्ट सीलर्स मैं यूज़ करता हूँ। अभी फ्यूचर में शायद मैं बायोसिरामिक्स यूज़ करूँगा अपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स में, लेकिन अभी तक जो है मैं सीलेपैक्स और रूट कैनाल EWT यूज़ करता हूँ। ये मेरे सीलर्स हैं। अब जब रूट कैनाल फिलिंग हो गई, उसके बाद क्या है कि हमें सीर ऑफ करना है एक्सेस गट्टा पर्चा, और जितना भी सीलर है वो रिमूव करना है कैविटी से। उसके लिए मैं तीन चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। पहला है साइब्रॉन का हीट एंड टच। ये एक एक्सेलेंट डिवाइस है काम करने के लिए, और ये एक्सेलेंट तरीके से जो है ना सीर ऑफ करता है एक्सेस गट्टा पर्चा। इसका मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पे इसका ये इसका स्विच ऑन ऑफ बटन है। इसकी स्पीड आपने रखी, कितनी स्पीड आपको रखनी है, और देन यहाँ पे आपको हैंड पीस पे आके इसको वर्क करना है। आप देख सकते हो इसका रिजल्ट कैसा है। ये हो गया हमारा हीट एंड टच। अब आते हैं प्लगर्स पे। ये मेरे प्लगर्स है जो मैं यूज़ करता हूँ। प्लगर्स के बाद तीसरी चीज़ है, वो है हमारे स्टार्टेक्स टिप्स। ये हमारे स्टार्टेक्स टिप्स है डेंट सप्लाई के। ये मैं यूज़ करता हूँ विद अल्ट्रासोनिक्स के साथ। इसमें जो दो टिप्स है, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये है साइज 1 एंड साइज 2। ये मैं यूज़ करता हूँ जितना भी हमारा पल्प चैम्बर में एक्सेस सीलर होता है उसको रिमूव करने के लिए। जितने अच्छे से पल्प चैम्बर क्लीन होगा उतनी ही ज़्यादा हमें बॉन्डिंग सरफेस मिलेगी। अब जो हमारी लास्ट स्टेप है वो है हमारी कोर बिल्डअप। कोर बिल्डअप्स में कंपोज से प्रेफर करता हूँ। ये मेरा 3M का कंपोज है जो मैं यूज़ करता हूँ। इसके बगैर जो मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ कोर बिल्डअप के लिए, वो है 3M का एक अटैक मोलर। ये भी सबसे बेस्ट है। ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, इसमें कैप्सूल होता है। ये एक्चुअली ग्लास एनोमर है। ये बस ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, और इसको हमने एमलगमेटर में लगाया और जस्ट इसको यूज़ कर दिया। ये भी बहुत स्ट्रांग है फॉर कोर बिल्डअप के लिए। ये रहा मेरा मटेरियल जो मैं यूज़ करता हूँ रूट कैनाल करने के बाद कोर बिल्डअप में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।